इंग्लिश तो सब सिखाते हैं, लेकिन टाइटेनियम में ऐसा क्या है कि हर इंसान चुंबक की तरह खींचा चला आता है? मैं क्या बताऊं, आप खुद आजमा के देख लीजिए। अंग्रेजी और फ्रेंच बोलना सीखिए, साथ में ज्वाइन करें पटवारी, बैंक पीओ, शिक्षक, टेट एवं डांस क्लासेस। संपर्क करें टाइटेनियम, आईड रोड, ठोकर चौराहा, उदयपुर। कॉल 8995033575। अब टाइटेनियम पर सीखिए कंप्यूटर कोर्सेज भी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आवाज रखा करो और डायरेक्टली डायरेक्ट बिना सोचे समझे बोल लिया करो कि सर हाउ आर यू डूइंग। सब कुछ कैसा चल रहा है या फिर आप कैसे हो, सबके लिए यूज करना हाउ आर यू डूइंग सर। ठीक है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा अगर आप फॉलो करोगे तभी जाके आपको एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन का इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ऑलराइट, पूछो कि हाउ आर यू डूइंग सर। आई एम गुड। पूरा बोलना भी बस अच्छा हूँ मैं। आई एम गुड, आई एम फाइन। चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, मिलके सब लोग स्टार्ट करें, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट, फिर बता देता हूँ क्या स्पोकन का कोर्स है। बोलना बहुत जरूरी है, चुप रहने से बोलना नहीं आएगा। गुरु मंत्र बताया स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या रोज बताते हैं फिर भी आप लोग दिमाग से भूल जाते हो, क्योंकि इंसानी दिमाग ऐसे ही है हमारा, हम याद कम रखते हैं, सुनते हैं और दिमाग से निकाल लेते हैं। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या बस बोलते रहो मेरे साथ, की बोलने से बोलना था। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, जो भी काम करते हैं करने करने से करना था। हिंदी में एक कहावत थी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसी तरीके से। चलो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी हम शुरुआत करते हैं क्लास के उसी अंदाज में सबसे पहले इडियम देखें। कभी कोई आपको न्यूज़ आके बताता कि यार उसके साथ ऐसा हो गया, आपके मुंह से जरूर निकलता कि तेरे को किसने कहा? Who told you? क्या? तेरे को किसने कहा? Who told you? बोला करो, जैसे आपको हर कुछ आके बोले तो तूने वो उसने कहा, तूने वहां जाके लड़ाई करी, एक बार बोल दो। Who told you? कहा किसने तेरे को? Who told you? बस बोला करो, ये सेंटेंस रियल लाइफ में ले आओ। ओके, और भी कुछ भी बोला यार उसका एक्सीडेंट हो गया, किसने कहा तेरे को? Who told you? Who told you? अब आधे लोग क्या नाम बताना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना किसी ने कहा है, A little bird told me, क्या? A little bird told me. नाम नहीं बताना चाहते हैं, हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि हाँ किसी ने कहा है मुझे, A little bird told me. कहावत idiom बनी हुई है, A little bird told me, मतलब पक्षी का नाम ले लिया, क्योंकि ना तो वो बोल सकता है ना बता सकता है, सेंस के तौर पे यूज किया है, ये सिर्फ एक idiom है। ओके? पूरा बोलो, A little bird told me. इसका मतलब यूं नहीं किसी पक्षी ने आके मुझे बताया, नहीं, सेंस ये निकलता कि किसी ने मुझे कहा है, बस सेंस ये कि मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता हूं। A little bird told me. चलो इस चीज को यहीं ड्रॉप कर दीजिए, लीव इट। अब हम मिलके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Let's revise. हम लोगों ने डिस्कस किया जो भी काम हम करते हैं क्यों करते हैं, हैबिट्स। हर इंसान की हैबिट्स होती है, और उसके बाद कल हम लोगों ने डिस्कस किया जो भी काम हम करते हैं वही काम करते हैं जो काम हमको पसंद है, या फिर जो काम करने की इच्छा होती है, या फिर जो काम करने का मन करता है। ओके? जो भी काम करना मुझे पसंद है, आई लाइक, क्या? और इच्छा है, मन है, या वो काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट। अभी मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मेरी भी पढ़ाने की इच्छा, इसीलिए आपकी इच्छा है सीखने की, आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। मैं चाहता हूँ मैं सबको गाइड करूँ, आई वॉन्ट टू गाइड। मैं सबको गाइड करना चाहता हूँ। ओके? दूसरी बात, अच्छा जो भी काम करते हैं इच्छा होती तभी करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम भी हैं जो हमको बिना इच्छा से भी करने पड़ते हैं। ये गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे बहुत सारे काम हैं आप करते हो लेकिन बिना इच्छा से, या फिर मजबूरी की वजह से आप करते हो, उसको बोलते हैं कंपल्शन। क्या? मजबूरी के लिए यूज करते हैं कंपल्शन। मजबूरी के अपन बोलते हैं, बात कंपल्शन की है ना, मजबूरी की, इसलिए इट्स मैटर ऑफ कंपल्शन। ऐसे काफी सारे काम है, जैसे सुबह सुबह सो रहे हो, इच्छा होती है क्या उठने की? सोते सोते और मन करता है कि थोड़ी देर और सो जाऊं, क्योंकि सुबह सुबह सोने का मजा ही अलग है, राइट? उस टाइम भी आप उठते हो, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या जॉब पे जाना है, या बिजनेस है आपका, इसलिए मजबूरी है, इट्स मैटर ऑफ कंपल्शन। जो भी काम करते हो, मैंने कहा ना काफी सारे काम ऐसे होते हैं जो इच्छा से करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो बिना इच्छा से, जैसे आप टेलीविजन देख रहे हो, मस्त वाली मूवी आ रही है, या फिर यही प्रोग्राम आ रहा है इंग्लिश का, और पापा आके कुछ काम बता दे, जा रहे मार्केट से ये लेके आ, तो एक बार तो सलवटें आ जाती दिमाग पे, यहाँ पे सर पे सामने, कि मुझे ही बता दिए सारे घर के काम,
लेकिन फिर भी आप जाते हो, पता है, क्योंकि पापा के सामने कुछ बोल नहीं सकते हो, मजबूरी की बात, मजबूरी की, इट्स मैटर ऑफ कंपल्शन। अपन बोलते हैं ना बात मजबूरी की, इट्स मैटर ऑफ कंपल्शन। जो भी काम, ऐसे बहुत सारे काम, पढ़ाई करना भी मेरे आधे लोगों के लिए तो मजबूरी है, ठंड के दिनों में नहाना भी एक तरह से मजबूरी है, इट्स मैटर ऑफ कंपल्शन। ऐसे बहुत सारे काम, देखो अगर इच्छा है तो आई वॉन्ट, क्या पसंद है तो आई लाइक, लेकिन अगर मजबूरी में करना पड़ता है, देखो अभी करना है मजबूरी में या फिर रोज करना पड़ता है, दोनों के लिए यूज करते हैं आई हैव टू। क्या कोई भी काम मुझे रोज करना पड़ता है या फिर अभी करना है मजबूरी में, आई हैव टू। जैसे मैंने कहा ना अभी दो तीन एग्जांपल मैंने आपको दिए, ये काम मजबूरी में, सुबह उठना मेरी मजबूरी है, मतलब रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता, आई हैव टू गेट अप अर्ली। सबसे पहले जरूरी है हिंदी में समझने की कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कोई भी काम रोज करना पड़ता है मजबूरी में या फिर अभी करना है तो भी दोनों के लिए हैव टू यूज करेंगे। ओके, अभी मुझे मजबूरी कहीं जाना है, पहुंचना है जल्दी, तो आई हैव टू गो। कोई भी काम, ऐसे बहुत सारे काम है जो अपने को करने पड़ते हैं मजबूरी में, राइट। जैसे प्राइवेट फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको ये टारगेट पूरा करना, कैसे भी करके अचीव करना, ये भी एक तरह से मजबूरी। I have to achieve a target. हमको एक टारगेट अचीव करना पड़ता है, हमको 10 लाख का टारगेट दे दिया, तो I have to achieve a target. इंसान की इच्छा नहीं फिर भी वो काम मजबूरी में करना पड़ता है। अब आपको मैं क्या कहूंगा, स्पीकिंग अगर सीखनी है तो अभी आप जो भी काम आपको करना पड़ता है सामने वाले को बोल दो यार कि ये मेरी मजबूरी, मुझे रोज करना पड़ता है। ओके, उससे क्या सेंटेंस जबान पे आएगा, बोलना सीखोगे। जो काम आपको नहीं करना पड़ता है मना कर दो, आई डू नॉट हैव टू अचीव टारगेट। नहीं करना पड़ता मना कर दो कि मुझे नहीं करना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू अचीव टारगेट। इसको बैलेंस रखिए, एवरीबॉडी क्लियर। उसके बाद बहुत सारे, अच्छा ये तो मैंने अपनी हैबिट्स, सॉरी अपनी मजबूरी बताई, कोई भी काम मुझे मजबूरी में करना है या रोज करना पड़ता है। अगर सपोज कि मुझे इनकी मजबूरी पूछनी, ये जैसे रूम लेके रहते हैं, कपड़े खुद धोते हैं, खाना खुद बनाते हैं, इनकी मजबूरी पूछनी, ये कौन है मेरे लिए, यू, यू से मजबूरी पूछनी, क्या खाना भी आपको, आपको ही बनाना पड़ता है क्या, सारे काम आपको ही करने पड़ते हैं क्या, डू यू, मजबूरी पूछनी, ये काम आपको करना पड़ता है या करना है क्या, अभी दोनों के लिए यूज करेंगे, क्या बोलो, डू यू, एक साथ मेरे साथ बोला करो, डू यू, और मजबूरी के लिए हैव टू लगाना पड़ेगा तो पूरा बोलो, डू यू हैव टू, यही बोलोगे ना, क्या कपड़े आपको खुद को धोने पड़ते हैं क्या, डू यू हैव टू वॉश योर क्लॉथ्स, अगर इनकी मजबूरी हाँ कर देंगे, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, इनकी मजबूरी नहीं तो मना कर देंगे, आई डू नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ्स। ये मैम देख लीजिए, जैसे स्पेशली जो मैरिड होते हैं ना उनको आधे लोग आके कहते हैं सर हमको हमारे सास को बहुत झेलना पड़ता है, टॉलरेट, क्या एक साथ बोलो, टॉलरेट, आवाज ही नहीं आ रही, झेलते हैं या सहन करते हैं ना अपन किसी भी बात में, झेलते हैं या सहन करते हैं उसको बोलते हैं टॉलरेट, क्या tolerate. आपकी मजबूरी है, हमेशा कहते हैं सर आई हैव टू टॉलरेट माय मदर इन लॉ, मेरी जो सास है ना उनको झेलना पड़ता है मुझे रोज, आई हैव टू टॉलरेट माय मदर इन लॉ, नहीं सर हमारे तो सास है ही नहीं, मना कर दो, हमको तो झेलना नहीं पड़ता, आई डू नॉट हैव टू टॉलरेट माय मदर इन लॉ। एनीवे इनसे पूछ लो, ये मैरिड है, क्या आपको अपनी सास को झेलना पड़ता है, डू यू, झेलने के लिए डू यू हैव टू टॉलरेट, मजबूरी पूछ रहे हैं तो हैव टू लगाना पड़ेगा, डू यू हैव टू टॉलरेट योर मदर इन लॉ, एवरीबॉडी क्लियर, अगर उनकी मजबूरी हाँ कर देंगे, अच्छा तीसरे उनको भी झेलना पड़ता तो ही हैव टू नहीं, ही हैज टू, तीसरे इंसान की मजबूरी बता रहे थे उनको भी ये काम करना पड़ता, ही हैज टू टॉलरेट हिज मदर इन लॉ, एवरीबॉडी क्लियर, लॉक कर दिया जाए। ये तो अभी आपको समझ में आया, अगर सामने वाले की मजबूरी पूछनी है कैसे क्वेश्चन करना है, और खुद की मजबूरी तो बताया करो कम से कम, हिंदी में तो आप लोग परफेक्ट हो बताने में सबको, इंग्लिश में भी आप आदत डाल दो अपनी मजबूरी बताना। ओके, अभी आपको क्या करना है, मैं आपको बोर्ड की तरफ एक बार सारी चीजें बता देता हूँ, आप सबको सामने देखना है और फिर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे की वैसे प्रैक्टिस करनी है। ओके, जस्ट लुक एट द बोर्ड, मैं आपको टॉपिक पूरा बता देता हूँ, साथ साथ में लिखते भी रहना क्योंकि अपने पास वक्त की बहुत कमी है, राइट। यू गाइस आल्सो प्लीज लुक एट द बोर्ड, सामने वाले से मजबूरी पूछनी, तुमको कोई भी काम करना पड़ता है क्या, डू यू, वही पहले जो क्वेश्चन बता रखा है मजबूरी के लिए हैव टू, डू यू हैव टू, नीचे बहुत सारी वोकैबुलरी रखी हुई, जैसे bring provisions, एक vocabulary लाके यहाँ रख रहा हूँ मैं action की जगह, bring provisions मतलब घर के सामान लेके आना, कभी चाय पत्ती, कभी आलू लेके आना, कभी क्या सर है, बहुत सारे सामान घर से लेके आते हैं ना उसको बोलते हैं bring provision, okay? सामने वाले से पूछ लो, मुझे पूछ लो सर घर के सामान आपको ही लाने पड़ते हैं क्या, do you? पूरा बोलो, do you have to bring provision? हाँ मुझे लाने पड़ते हैं घर के सामान, आई हैव टू ब्रिंग प्रोविजन, ओके मजबूरी, हाँ अगर लाने पड़ते हैं, और नहीं लाने पड़ते तो आई डू नॉट हैव टू एक्शन, नीचे वोकैबुलरी भी अच्छी है, टॉलरेट योर मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब सासू जी, और उनको टॉलरेट मतलब झेलना या सहन करना। ओके, नेक्स्ट
पैचअप डिफरेंसेस मतलब एक बार जैसे दूरियां आ गई आपके बीच में, दोस्तों के बीच में, तो वापस पैचअप करना, सुलह करना, वो भी एक मजबूरी है, आगे बढ़ के कोई नहीं करता है। नेक्स्ट, अचीव अ टारगेट, कोई भी टारगेट अचीव करना, प्राइवेट फील्ड में देते हैं ना अक्सर, बैंक्स में, इंश्योरेंस फील्ड में। ब्रिंग प्रोविजन, घर के सामान लेके आना। नेक्स्ट, पे टैक्स, ये तो सबकी मजबूरी है, मुझे हर साल कम से कम कितना 5-6 हजार, 10-15 हजार, 20-25 हजार टैक्स भरना पड़ता है, नहीं फर्म का तो अलग, पर्सनल टैक्स, I have to pay tax. ये तो मजबूरी है, राइट ना। मैं तो कहूंगा कि आगे बढ़ के पे किया करो, आपकी खुद की ट्रांजेक्शन के लिए भी अच्छा है और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। एवरीबडी क्लियर? इस तरीके से नीचे आपका idiom लिखा हुआ, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, मतलब किसी ने कहा है मुझे। अब मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड दूंगा, इसको जल्दी से आपको कॉपी करना पूरा का पूरा। क्या, डू यू हैव टू एक्शन, आई हैव टू एक्शन, जल्दी करो, बस आदत लिख लिया आप लोगों ने, आई डू नॉट हैव टू एक्शन, एंड टॉलरेट योर मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब सास को झेलना, पैचअप योर डिफरेंसेस, मन मुटाव खत्म करना या फिर वापस सुलह करना लड़ाई के बाद, अचीव टारगेट, टारगेट अचीव करना, ब्रिंग प्रोविजंस, घर के सामान लाना, पे टैक्स, टैक्स जमा कराना, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, रिटर्न नाउ, Everybody has written? Yes. पूरा बोलो, I have written. जो काम खत्म हो गया है। अब इसको क्या करना, खाली ऐसे लिखने से, समझने से कुछ नहीं होता है। ये प्रोग्राम हम लोगों ने काफी सारी बार हम लोगों ने टेलीकास्ट कर दिया, धीरे धीरे हम लोग क्वालिटी बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ नई वोकैबुलरी भी है, हो सकता है कि आपके लिए भी नया हो काफी सारी चीजें। टॉपिक इज नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है वो है प्रैक्टिस, डू यू प्रैक्टिस एट द होम, ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, पूरा बोलो, इट्स मोर देन इनफ, जाते जाते क्या बोलना, नाइस टॉकिंग टू सर, जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज यू हैव टू ट्राई एट योर होम, क्योंकि ये स्पोकन का कोर्स है और स्पोकन में सबसे जरूरी चीज है वो है बोलना, बोलने से ही बोलना आता है। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, हैव टू, अगर कोई भी दिक्कत आए, हेल्पलाइन नंबर ऊपर दिया हुआ है, 9950335575, एनी टाइम यू कैन कॉल अस, और नहीं तो मैसेज के थ्रू। प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग आप डिक्शनरी में चेक करने की आदत डालिए, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं आधी बार। हिंदी टू इंग्लिश कोई भी वर्ड पूछना है वो पूछने की आदत डालिए, क्योंकि आधे लोग टेस्टिंग के तौर पर आई थिंक इंग्लिश टू हिंदी तो यू कैन चेक इन डिक्शनरी। अनदर थिंग्स दैट, और कोई भी प्रॉब्लम हो मेल के थ्रू भी पूछना चाहते हो, mukeshtitanium@gmail.com, यू कैन कॉन्टैक्ट बाय द मेल ऑल्सो, अदरवाइज इफ यू वॉन्ट टू विजिट द टाइटानियम, टाइटानियम सेकेंड फ्लोर, आयर रोड, ठोकर चौराहा, उदयपुर। अदरवाइज इट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम इन सेम प्रोग्राम एंड फ्रॉम अ सेम ग्रुप, टाइटानियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश, डांस, कंप्यूटर, फ्रेंच लैंग्वेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक POs, पटवारी, शिक्षक, अबेकस क्लासेस, वॉट एवर, अ कंप्लीट एजुकेशन। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू गाइस। अब टाइटेनियम पर सीखिए कंप्यूटर कोर्सेज भी, अब टाइटेनियम पर सीखिए कंप्यूटर कोर्सेज भी। इंग्लिश तो सब सिखाते हैं, लेकिन टाइटेनियम में ऐसा क्या है कि हर इंसान चुंबक की तरह खींचा चला आता है। मैं क्या बताऊं, आप खुद आजमा के देख लीजिए। अंग्रेजी और फ्रेंच बोलना सीखिए, साथ में ज्वाइन करें पटवारी, बैंक PO, शिक्षक, टेट एवं डांस क्लासेस। संपर्क करें टाइटेनियम, आईड रोड, ठोकर चौराहा, उदयपुर। कॉल 8995033575।